लुक एट क्वेश्चन नंबर टू बच्चों, वेरी इजी क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फटफट करेंगे एकदम। GED पूरा दिया हुआ है 126, देखो ये वाला, बट उसमें भी दो पार्ट है, एक दिख रहा है 90, एक दिख रहा है आपको छोटा वाला, तो एक 90 आएगा, 126 में से 90 गया, कितना बचेगा दूसरा वाला अंदर वाला, 36। डायग्राम बनाओ, शुरू करेंगे। सबसे पहले हमको क्या क्या फाइंड करना है, एंगल ए जी ई, ओके, जी ई एफ, जी ई एफ तो अब बीच मिल गया अपने को, बिना सॉल्व किए मिल गया, एंड एफ जी ई ढूंढना है अपने को, एफ जी ई, वो तो ट्राइंगल से आ जाएगा। फाइन, लेट अस स्टार्ट राइटिंग। सबसे पहले हम लोग जी ई एफ निकालेंगे, लिखो एंगल जी ई डी इज मेड अप ऑफ टू एंगल्स, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी। GED पूरा कितना दिया है बच्चों उन्होंने, 126। GEF अपने को नहीं मालूम, और FED कितना दिया है, 90, इसको माइनस करो, तो तुम्हारा एंगल GEF तुरंत से तुमको मिल जाता है 36 डिग्री। कुछ पूछना है किसी को इसमें से? सर वो 120 नहीं 126 है। सर बहुत ठीक है, छोटा डंडी हो गया थोड़ा। चलो अगला करें, AGE निकालेंगे, एकदम इजी है एकदम, तुम मानोगे भी नहीं, एक लाइन में आंसर आएगा, सोचो कैसे। उधर एक जेड फॉर्मेशन होता है, देखो ध्यान से, देखो ये ए जी ई और जी ई डी, देखो जेड फॉर्मेशन जा रहा है, व्हाट टाइप ऑफ एंगल विल दे फॉर्म, ऑल्टरनेट एंगल, खत्म हाँ खत्म हो गया क्वेश्चन लिखने का। ए बी, ओहो ये क्या हो गया, इसको मोटापा आ गया। ए बी पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर ए जी ई इक्वल्स टू एंगल जी ई डी, रीजन लिख दो ऑल्टरनेट, सिंपल एक लाइन में आंसर आएगा, ए जी ई विल बी 126 डिग्री। खत्म भाई, टाटा बाय बाय, गुड बाय, गया। अब थर्ड एफ जी ई ढूंढना है अपने को, अपने को ए जी ई तो मिल चुका ऑलरेडी, कितना आया, 126, एफ जी ई कितना आएगा बताओ, 180 माइनस 126। लीनियर, हाँ, एंगल एफ जी ई प्लस एंगल ए जी ई मिला के कितना होता है हमेशा, 180, लीनियर है, एक लाइन पे लाए करते हैं, माइनस कर दो। डन, खत्म हो गया क्वेश्चन, 3 मार्क्स।
बढ़ना है आगे, रुकना है? हो गया सर। क्लियर कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाले पे आओ। ये तो इतना गंदा क्वेश्चन है, इतना गंदा क्वेश्चन है ये, और बच्चों को जमता है इसने, इतना गंदा, एकदम पुअर क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको लगेगा कंस्ट्रक्शन, एक लाइन कंस्ट्रक्ट करने का डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। कैसे देखो, सर हम सॉल्व करें पहले। नहीं नहीं मैं अकेला दिखाऊँ एक बार, आप लोग को क्लासरूम में करना ही है सबको, नोट्स में से बहुत सारे क्वेश्चन। देखो ऐसे हम लोग एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे नीचे की तरफ, ऑफ कोर्स इट्स अ कंस्ट्रक्शन, इट हैज टू बी डॉटेड। इसको हम लोग नाम दे देंगे हमारे तरफ से कुछ, तो लेट्स से MN दे दो या AB दे दो, जो आपको नाम देना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट आएगा कंस्ट्रक्शन ड्रॉ MN पैरेलल टू PQ, और वो MN जो है वो पैरेलल टू STB रहेगी, हमने बोल दिया कंस्ट्रक्शन में। अब लिखना सॉल्यूशन, मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा कैसे करना है, करना आपको है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा बताओ? को इंटीरियर, बस कोई से एक्सट्रीम राइट में देखो वापस कौन सा आएगा? को इंटीरियर, इंटीरियर और फिर 180 से माइनस करके बीच वाला मिलेगा। शुरू करें, लिखो सिंस PQ इज पैरेलल टू MN, एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स 180, रीजन इज इंटीरियर एंगल। तो 110 प्लस एंगल R इज 180, एंगल R इक्वल्स टू 70 डिग्री, मिल गया R 70। आगे वापस लिखना पड़ेगा कौन सी दो लाइन पैरेलल है। सिंस ST इज पैरेलल टू MN, एंगल S प्लस एंगल SRN इक्वल्स 180, तो 130 प्लस एंगल SRN। हाँ यहाँ पे भी आप लोग बच्चों पूरा लिख दो एंगल, सिर्फ R मत लिखो, आपकी टीचर मार्क्स कट करेगी, और वो टेक्निकली भी गलत ही है बिकॉज वी डोंट नो कि कौन सा R विथ साइड, पूरा लिखो QRM। तो एंगल SRN कितना आ जाएगा? 50 डिग्री, 50। चलो दोनों मिल गए छोटे छोटे, ये 50 मिल गया, ये 70 मिल गया। अगर आप अभी देखोगे तो एक 50 मिला हुआ है, एक 70 मिला है, तो बीच का कैसे निकालेंगे हम लोग? तीनों को जोड़ दो, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो जब आप थर्ड पार्ट बनाओगे ना, वहां पे डायग्राम बनाना याद से, ये 50, ये 70 और ये x। देखो देयरफॉर 70 प्लस एंगल QRS प्लस 50 इक्वल्स 180, रीजन लिखना एंगल्स इन स्ट्रेट लाइन। फॉर एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 180 माइनस 120, एंगल क्यू आर एस इक्वल्स 60 डिग्री। किसी को कुछ पूछना है ये पूरे क्वेश्चन में? पहले मैंने कंस्ट्रक्शन किया, एक साइड का एंगल निकाला 70, दूसरे साइड का एंगल निकाला 50, दोनों में कौन सा अप्लाई किया कंसेप्ट? को इंटीरियर, फिर तीनों को जोड़ा और 180 से माइनस कर दिया स्ट्रेट लाइन पर।
रुकना है, कंटिन्यू करना है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन बचा है। टेल मी, कर 2 मिनट, कर समझ के लिखो। आई 2 मिनट, एम नॉट इन अ रश, समझ के लिखो। सर यस चलेगा, वहां पे अगर एंगल 1 2 ऐसा लिखा तो चलेगा क्या? बस आपको स्टेट करना पड़ेगा, फिर आप जब लिखोगे ना, जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन लिख दिया वहां पे, लिख देने का कि एंगल QRM इक्वल्स टू 1, एंगल SRN इक्वल्स टू 2। ओके okay. कंटिन्यू करें, लास्ट क्वेश्चन बचा है, खत्म करें। यस मूविंग सर, मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एनीवन हु स्टिल वांट्स टू सी द थर्ड क्वेश्चन, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन एंड देन एनालाइज कि क्या क्या पूछा है उन्होंने। एक्स और वाई ढूंढना है अपने को, यहाँ पे रहा एक्स, यहाँ पे रहा वाई। ओके, प्राइमरीली अगर आप ये क्वेश्चन को देखोगे, यहाँ पे एक जेड फॉर्मेशन दिखेगा आपको होते हुए, उससे आप ऑल्टरनेट का कंसेप्ट लगा के वाई ढूंढ लोगे, एंड और एक जेड फॉर्मेशन होते हुए दिखेगा आपको, देखो उससे आप एक्स ढूंढ लोगे। तो ये जो पूरा क्वेश्चन है, ये 2 बार ऑल्टरनेट लगा के आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट, लिखो। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंड पहले मैं एक्स के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक्स के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। तो एक्स के लिए बच्चों ट्रांसवर्सल कौन सी लेंगे हम लोग, बताओ, ये वाली पी क्यू। देयर फोर एक्स इज, हाँ पर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, ए पी क्यू इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर, रीजन लिख देना, ऑल्टरनेट एंगल्स। ए पी क्यू के लिए क्या आएगा 50, पी क्यू आर के लिए क्या आएगा एक्स, मिल गया अपने को एक्स, आ गया। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और इस बार कौन सी ट्रांसवर्सल लेंगे हम लोग, दूसरी वाली, एंड पी आर इज ट्रांसवर्सल। वापस लिखो, एंगल ए पी आर इक्वल्स टू एंगल पी आर डी, ओके ए पी आर इज स्प्लिट इन 2 पार्ट्स, 50 प्लस y, y इक्वल्स टू 127 माइनस 50, y इक्वल्स टू 77। डन, अथर्व बेटा क्यों माइक ऑन कर रहे हो बार बार, क्या मजा आ रहा है? नहीं, मुझे लगा मेरा गलत था और सही है। कुछ सर पूछना है किसी को, ये दो को, ये चारों क्वेश्चन में से? हाँ नहीं सर, द बेस्ट फॉर द बायो क्लास टुमारो, बायो टेस्ट टुमारो। सर।